बसती उसकी किस्मत है जो मेहनत से घबराता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी। मेहनत चांद सितारे जुगनू, मेहनत दीपक बाती, रस्ते की एक एक ठोकर हमको है ये समझाती। मंजिल जिसको पग पग ढूंढे वो किस्मत का विधाता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी बुलंदी। एडवांस है कालीन बनाने का, फूल सिंह ने दिया है। मेहनत कर, अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारी खांसी बढ़ती जा रही है, थोड़ा आराम कर लो। माफ करना बेटी, मैं तेरी तकदीर नहीं बदल सका। आप अब्बू के पास बैठिए, वहीदा और मेहरू मेरी मदद को आ जाएंगी। आज जिद ना करो। देखो मुझे कसम मत खिलाओ, मुझे जाना। संभाल के। ज्योति दीदी थी तो कोई डर ही नहीं था, फूल भाई जानी जबरदस्ती उन्हें शहर ले गए। 4 लाख रुपया? पर मुझे तो ये लोग सिर्फ 20,000 रुपया ही दे रहे हैं 5 कालीन के लिए। उसको तो अपना ऑर्डर पूरा करना है। तू ऐसी दोस्ती पर? क्या जमाना है यार, बूढ़े तोते भी पढ़ने जाएंगे। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही लूटता रहूंगा? नहीं बेटे, ज्योति बाबा कब तक रूठी रहोगी? हाँ देखो तुम लड़ लो झगड़ लो, लड़ाई झगड़ा करने से दिल का गुहार निकल जाता है। फूल प्लीज नाटक मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अरे अपनी गलती मान तो रहा हूं मैं, अब ये बिजनेस मेरे अकेले का तो नहीं है ना, इसमें रवि की मर्जी की भी उतनी अहमियत है जितनी मेरी। और फिर रवि मुश्ताक को ज्यादा पैसे क्यों देने लगा, जबकि दूसरा कोई भी कारीगर उससे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है। मुश्ताक कोई भी कारीगर नहीं है, और तुम रवि की आड़ मत लो। तुम्हारा पैसे का लोभ किसी भी कारीगर से कम कीमत में काम करवा था, मगर वो मुश्ताक और उसके अब्बू जैसा कारीगर होता? अब इसमें क्या गलत है? ये बिजनेस है, अब बिजनेस में तो ये सब होता ही है ना। अब देखो मैं उसको काम दिलवा रहा हूँ ना, और बाद में उसे अच्छे पैसे भी दिलवाता। थैंक यू वेरी मच। अरे तुमने तो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तुमने तो उन लोगों की आंखें खोल दी। अब से वो किसी की दोस्ती प्यार और अपने पे विश्वास नहीं करेगी। फूल तुम सोच सकते हो इस वक्त मुश्ताक के दिल पर क्या बीत रही होगी। ज्योति मैं सोच भी सकता हूँ और समझ भी रहा हूँ। अरे वो दोस्त है मेरा, मैं जानता हूँ कि मैंने उसका मन दुखाया है, लेकिन क्या करूँ, ये बिजनेस है। भाड़ में जाए तुम्हारा बिजनेस? अरे ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जो अपने दोस्त की पीठ पर खंजर घोंपने के लिए मजबूर करे, जो दूसरों को हाथ छीनने के लिए उकसाए। क्या फायदा ऐसा बिजनेस का? दूसरों की आंखें लेकर कोई भी सुख से नहीं रह सकता, और भगवान करे ना रहे। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? ज्योति ना बस, आई एम सॉरी बाबा। मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी 100 बातें मानूंगा, लेकिन पहले मैं एक बात कहूंगा। क्या? देखो मैंने आज से फैसला किया है कि मैं रवि के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बहका लिया था, और मैं मुश्ताक से जाके माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने उसका मन जिगर दोनों दुखाया है। ठीक है, अब तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। यही सब तो बातें मैं कहना चाहती थी, तुम्हें कैसे पता मेरे दिल की बात है? अरे हम आपके दिल में रहते हैं।
तुमने बहुत गालियां दी होंगी ना मुझे। हाँ, ज्योति का ख्याल नहीं होता तो सिर फोड़ देता तेरा मैं। अरे डॉक्टर का पति हूँ, फटा हुआ सिर भी सिलवा लूंगा। सिलवा लूंगा, अब क्यों आया तू यहाँ? अरे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अब क्यों? देख, मेरी रोजी रोटी तुम्हारी उंगलियों पर बसती है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी बस। ज्योति ने बताया कि तुम शर्मा जी के यहाँ जाते। हाँ तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। देख, रवि वापस अमेरिका चला गया है, तुम वो कालीन बना लो, मैं और तुम मिलकर बेच लेंगे। मुझे नहीं बनाने। अरे पागल मत बनो, मास्टर जी तुझे पढ़ना सिखाएंगे, मैं तुम्हें धंधे के तरीके बताऊंगा। सच? तू मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अरे ज्योति की कसम, तू पढ़ लिख ले, मैं तेरा हर कदम पे साथ दूंगा। सच? सच। अपने पेट पे लात मार कर। अरे मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है कि मैं सबको खा लूंगा। और देख, कभी कभी ना मुझे एक आध कालीन दे देना बस, यूं ही नाम के लिए। देख फलुआ, अगर जो तूने मुझे फिर से धोखा दिया तो याद रखना, चंपी करवाऊंगा तुझसे। जो सजा काले चोर की वही हमारी। और इस ज्योति ने भी ना जीना हराम कर दिया था, और फिर तू मेरा यार भी तो है। ओम ब्रह्म निजामह सुगंधम शिवर्धम उर्वारुम वंदान तुम शिवाम तात ओम ओम नमः शिवाय ओम। हे मां सरस्वती, इस लड़के को सद्बुद्धि देना और देकर फिर से छीन मत लेना मां। अगर ये लड़का पढ़ लिख जाए तो मैं आपकी कथा कराऊंगा मां। चचा, चचा कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूं। लगता है उत्साह आ गया। वो आ गया मां, वो आ गया। प्रणाम माता। मुश्ताक। चचा जी। पूजा कर रहे थे आप? हाँ बेटा। कर लीजिए, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। इंतजार का वक्त नहीं है बेटे, पूजा शुरू करो, मेरा मतलब पढ़ाई। ये लो प्रसाद, आज से अज्ञान के विरुद्ध तुम्हारी लड़ाई शुरू होती है मुश्ताक। बैठो बेटा। पढ़ाई शुरू करने के पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु शिष्य से पढ़ाई खत्म होने के बाद गुरु दक्षिणा लेता है, लेकिन मैं तुझसे पढ़ाई शुरू करने के पहले गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। चचा, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं? मुझे पता है आप ऐसी कोई चीज नहीं मांगेंगे जो मेरे लिए दे पाना मुश्किल हो। लेकिन मैं तुझसे मुश्किल चीज ही मांग रहा हूं बेटा। मुझे तेरा वचन चाहिए कि एक साल तक तू बिला नागा पढ़ने आएगा और मन लगा कर पढ़ेगा। मुझे तेरा एक साल चाहिए। हाँ चचा, मैं पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। अब तो जो आग मेरे दिल में लग रही है वो सिर्फ। हाँ चचा। ठीक है बेटे, तो आज से ज्ञान अक्षर के साथ हम तुम्हारी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये लो बेटा प्लेट, किताबें मैं बाद में ला कर दूंगा, ठीक है? हाँ। बेटे तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन का स्कूल? याद है ना चाचा, वो कंचे खेलना, वो पत्ते खेलना, झाड़ पे चढ़ जाना और फिर एक दिन कक्षा का मॉनिटर बन जाना। तुम्हें अपनी शरारती भी पूरी तरह से याद है। मॉनिटर का क्या है बेटे, आज से मेरी कक्षा के मॉनिटर तुम। मेरी कक्षा में एक शरारती विद्यार्थी आया है, बहुत शरारत करता है, उसके कान खींचना मेरी तरफ से, और ध्यान रखना मन लगाकर पढ़े भाग नहीं जाए, ठीक है? क्या चचा, आपने तो मुझे मेरा ही मॉनिटर बना दिया। हाँ बेटे, चोर के हाथ में चाबी दे दो, चोरी का डर खत्म है ना। तुमसे कुछ मांगना है। लो, चोर के घर मोर पड़ने लगे। सब कुछ तो दे दिया, अब क्या जो दूंगी। तू एक काम कर, बच्चों को लेकर अपने अब्बा के यहाँ चली जा। हाय हाय, बस यही कसर रह गई थी। कौन मरी है जो मेरी जगह आ रही है? किताबें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तौबा, मुझे तो डराई दिया। देख मेरू, बस एक साल के लिए, फिर तू देखना।
दुनिया में नाक कट जाएगी, फिर क्या देखना? बस देख, एक साल का वक्त मुझे दे दे, दुनिया भर की खुशियां तेरी झोली में डाल दूंगा, मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगा। अब्बा से क्या कहूंगी, कोई नहीं मानेगा। मैं आता जाता रहूंगा ना, देख दो मौके मैं गवा चुका हूँ, बस एक यही आखिरी मौका है, इसे मैं नहीं गवाना चाहता। पर बाकी सब तो यहीं रहेंगे। तू बाकी सब में थोड़ी आती है, देख अगर अगर तू ऐसा करती है तो तू मेरी जिंदगी भी बना सकती है और मिटा भी सकती है। पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है। नेहरू, तुझे अपने इस फैसले पर बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, सच कह रहा हूँ खुदा की कसम। अच्छा सच कहो, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अरे वो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हाँ, देख करूंगा थोड़े ही, बाकी मर्द तो करते हैं। अच्छा मैं बाकी जैसा हूँ? नहीं ना, तो एक काम कर, फिर जाने की तैयारी कर, वहीदा तुझे छोड़ आएगी। पर तुम तो कह रहे थे तुम आओगे। अरे आऊंगा ना, पर अभी नहीं, अभी तो बस मुझे पढ़ना है। मुश्ताक, मुश्ताक बेटे। आया चाचा। आदाब चाचा। खुश रहो बेटे, खुश रहो। देखो बेटे, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ, अब हफ्ते में 2-3 दिन मेरे यहाँ रहना पड़ेगा रात में, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है? ठीक है चाचा। मैंने मेहरू और बच्चों को भेज दिया है, वहीदा अब्बा और अम्मा को देखेगी। चलो ये भी ठीक है, ये मेरा और तुम्हारा इम्तिहान है बेटा। हाँ चाचा, हम सभी का इम्तिहान है, वहीदा का, अम्मा का। चाचा अब्बा पर बहुत बोझ पड़ेगा। अब्बा की फिक्र मत करो बेटे, वो तो बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। और फिर तुम परदेश तो नहीं जा रहे? दिन में काम में हाथ बटाना, सिर्फ रात को मेरे यहाँ रहना है पढ़ने के लिए। ठीक है? लेकिन इस बार पढ़ाई से भागने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? नहीं भागूंगा चाचा। ठीक है, फिर आज से गुरु मानकर सफर शुरू कर दो, मंजिल तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी बेटे। हाँ चाचा। और पैसे देने की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं चाचा, फूल सिंह पेशगी दे गया है, आपकी दुआ से हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अब्बू का आशीर्वाद लो और कूद पड़ो मैदान जंग में। ठीक है? तुम्हारे अब्बू को बहुत दिनों से इंतजार था इस दिन का बेटा। सच कहूं तो चाचा, मुझे भी। और बेटे मुझे भी। बेटे मुश्ताक, मुझे पढ़ाते हुए 40 साल हो गए हैं बेटे, लेकिन तुम्हारे जैसे 5-7 बच्चे ही मुझे याद पड़ते हैं। तुम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या चाचा, मैं अभी भी आपको बच्चा लगता हूँ? हाँ बेटा, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। लो दूध पियो और सोने की तैयारी करो, सुबह वकील राम शरण के यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि फूल सिंह तुम्हें व्यापार के हथकंडे सिखा रहा है। मैं चाहता हूँ वकील साहब तुम्हें कायदे कानून सिखाए, क्योंकि सही तरीके से किए गए काम में बहुत बरकत होती है बेटे। चाचा एक बात बताइए, आप इतना कुछ जानते हैं फिर भी आपने स्कूल में मास्टरी की? अच्छा सवाल किया बेटे तुमने,
मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि जब तक मुझसे हो सकेगा मैं बच्चों को सुनहरे भविष्य की राह पर ले जाऊंगा। तब से मैं यही कर रहा हूं बेटे, और बच्चे तो स्कूल में ही मिलते हैं ना। हाँ जी जी, आप अभी से मेरे दोनों बेटे अजहर और अजीज की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लीजिएगा। मेहरू भी वापस आने की जिद कर रही है। ठीक है बेटे, उसे बुला लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा इम्तिहान भी खत्म हो रहा है। हाँ जी जी, मेहरू ने कम नहीं निभाया है, वहीदा, अब्बा, अम्मी सब ने निभाया, तो कम ज्योति ने भी नहीं है, उसने तो पूरे घर की काया पलट के रख दी। हाँ बेटे, और कासिम, कासिम ने इस साल सिर्फ दो कालीन बनाए हैं, लेकिन क्या नायाब नमूने, क्या नायाब नमूने, किसी अजायब घर में रखने के लायक। वाह। चाचा एक बात बताइए, हम लोग कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे हैं कि मैं पढ़ लिख गया तो बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा, सब कुछ मेरे हक में होगा? चाचा असली मुद्दा है रुपया, वो कहाँ से आएगा? आएगा बेटे, वो भी आएगा, वकील साहब हमें रास्ता दिखाएंगे। देखो बेटे, आजकल लोन मिलता है, लोन, एक बार लोन मिल गया हम दो तीन लड़कों को बुला लेंगे, कासिम उन्हें मुन्ना सिखाएगा, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा, एक बार दो चार लड़के काठी पर बैठने को मिल गए फिर तो मैं बड़े से बड़ा ऑर्डर तैयार कर लूंगा। एक बात और सुनो बेटे, तुम्हारी अम्मी के पास अच्छे अच्छे नमूने हैं बेटे, बहुत अच्छे अच्छे नमूने हैं, उनकी एक किताब बनवा लेना, उस पर एक अच्छी सी चिल चढ़वाना, ठीक है? देखने वालों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा, हमें दिखाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ज्योति भी एक बार बहुत महंगी किताब देकर गई थी, वो भी साथ रख लेंगे। ठीक है बेटे, दो दो किताबें हो जाएंगी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हाँ। देखो बेटे, अब रात काफी हो गई है, तुम सोने की तैयारी करो, ठीक है? नहीं चाचा, इस दिमाग में अब इतनी बातें और इतने प्रोग्राम बन रहे हैं कि इन आंखों में अब नींद को जगह कहाँ। वाह भाई वाह, क्या नमूना है, एक दूसरे से ज्यादा काबिले तारीफ है। शुक्रिया, ये देखिए जनाब। अरे वाह, हाउ नाइस, आपने बनाई? जी नहीं, मेरे अब्बा ने, पूरे गांव में सबसे अच्छे कारीगर माने जाते हैं वे। और आप? जी मैं भी। दोनों मिलकर बनाते हैं साहब, ये भी बहुत अच्छा कारीगर है। हाँ, हाँ। और मेहनती भी है। हाँ, वकील रामशरण ने इनकी बहुत तारीफ की थी। लेकिन अच्छा कारीगर होने से क्या होता है साहब, हमारी मेहनत का फल तो दूसरे चखते हैं, हम तो बस मेहनत किए जाते हैं बस। अगर साहब आप लोन दिलवा देने की कृपा करें तो बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। क्यों नहीं, आप जैसे हुनरमंद और मजबूर लोगों के लिए सरकार ने कितनी स्कीम्स खोली है ताकि आप अपने हुनर का फायदा खुद उठा सके और तमाम छोटे छोटे कुटीर उद्योग और गृह उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मतलब हमें लोन मिल सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप तो इसके सही हकदार है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका लोन जल्द से जल्द पास हो, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है आपको, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। क्या करना होगा, वैसे कुछ बातें तो वकील साहब ने बताई थी, बाकी आप बता दें तो। सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद कुछ फॉर्म्स भरने होंगे और दो लोगों की गारंटी देनी होगी आपको जो आपको जानते हैं, ताकि सरकार का पैसा ना डूबे। अरे साहब क्यों पैसा डूबेगा, सरकार हमें लोन दे रही है तो हमारा भी फर्ज है कि हम सबसे पहले सरकार का कर्ज उतारें। खुशी की बात है, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेने के बाद वापस करने में दिलचस्पी नहीं रखते। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं साहब, हम एहसान फरामोश नहीं है, आपकी पाई पाई चुका देंगे। वैसे कितना लोन मिल जाएगा हमें? देखिए, इस इलाके का सबसे बड़ा गृह उद्योग है कालीन बुनना, इसके लिए आपको 15,000 से 25,000 तक लोन आसानी से मिल सकता है, बहुत कम इंटरेस्ट और आसान किस्तों पर मिल सकता है। हमें कितना मिल जाएगा? 25,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे हाथ में कितना आएगा? जितना पास होगा उतना। साहब सुना है जो लोन पास करवाता है वो अपना कमीशन काट लेता है, तो कमीशन काट कटवा कर कितना मिलेगा हमें? तो चुप, क्या पूछ रहा है साहब से? साहब बुरा मत मानिएगा, क्या है अब तक गांव में लोगों से ऐसे ही किस्से सुनने को मिले हैं ना। अरे नहीं नहीं नहीं,
बोलने दीजिए उनको। जो सवाल दिल में उठते हैं उसका जवाब मिलना ही चाहिए। देखिए मुस्तक मियां, ऐसे कई केस होते हैं जो लोग बैंक में सीधा ना आकर बिचौलियों के बीच फंस जाते हैं तब, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, मैं बिचौलिया नहीं हूं। हाँ साहब, इन बिचौलियों ने तो सभी का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन आप उस चक्कर से आजाद होने जा रहे हैं। जाइए जाइए, आप फॉर्म भरिए। बस आप, सब आपकी मेहरबानी है। अरे भाई, जब बड़े आदमी बन जाइएगा तब हमें याद रखना। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। अबू देखो ना, भाईजान कितने बदल से गए हैं। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। मेरे बीमार पड़ने की देरी क्या थी कि तुमने सब कुछ बदल दिया, और ये तो इसी इंतजार में था। भाई, इसकी कुछ ना कुछ शाबाशी तो मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो मेरा किया था। हंसी और मेहरू से तो पूछो, शाबाशी की असली हकदार तो ज्योति है। और मैं, मेरा क्या है? अरे तुमने तो ये साबित कर दिया कि बूढ़े तोते भी पढ़ सकते हैं। सब मास्टर जी चाचा जी जैसे होने चाहिए ना चाचा। ठीक है बेटे, अब तुमने मेरी तारीफ कर दी है, मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। भाई कासिम, तुम्हारा बेटा हीरा है, हीरा जाल है, कभी नजर मंजिल से हटी। लेकिन बेटे ये मत समझना कि पढ़ाई खत्म हो गई, अब तो पढ़ाई शुरू हुई है। मास्टर जी, आप बैंक गए थे ना, क्या हुआ? इस इलाके का सबसे बड़ा गृह उद्योग है हमारा कालीन बुनना। बैंक मैनेजर को अम्मा की किताब और अब्बा जी की जानमाजी बहुत पसंद आई है। अरे भाई, अपने बारे में भी कुछ बताओ। दरअसल मुश्ताक की हिम्मत, सपने और आगे का काम का खाका खन्ना साहब को बहुत पसंद आया, और उन्होंने फौरन कागज भर दिए। हाँ, अगले महीने तक पहली किस्त मिल जाएगी शायद। और सुन, अगली किस्त मिलते ही हम लोग 5-6 कांटी और डाल लेंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा कालीन बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा कालीन बना, मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेके आऊंगा, इन साथ में रहूंगा तेरे। भाई वाह, बेटे की आंखों में सुनहरे सपने हैं और बाप की आंखों में आंसू। कासिम तू भी हद करता है, खुशी के मौके पर भी रो रहा है। अभी लो चाचा जी, आप लाख कह लें कि आपने बच्चों को पढ़ाने से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन भाभी के 2 बंदर तो आपको ही काबू करने होंगे। बंदर? अरे भाई, क्या मैं मदारी हूँ? बच्चे भी क्या क्या बोलते हैं। पर जादूगर तो हैं। मुश्ताक, तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक शहर में अभी से दफ्तर खोलने होंगे। अभी सोच लो कुछ, वहाँ रिहायश और बच्चों के स्कूल के इंतजाम के बारे में सोच लो। हाय अल्लाह, अभी तो वो छोटे हैं। नहीं वहीदा, अगर उन्हें भी पढ़ने के लिए मेरे जितना इंतजार करना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी। अब्बा, अब देखो ना इस ज्योति को, कब से पढ़ना शुरू किया था इसने और बन गई डॉक्टर। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। अरे कहाँ बेटा, ये तो इस बुढ़ऊ ने सही वक्त पे मर्ज पकड़ लिया और दवा दे दी। लोन मिल जाए ना तो तुम किसी अच्छे से अकाउंटेंट को पकड़ लेना, वो तुम्हें सब तरीके ठीक ठीक बता देगा। वो सब वकील राम सरन जी ने बंदोबस्त कर दिया है। बस अब तो 2-4 लड़के अब्बा की शागिर्दी में काठी पर बैठने के लिए मिल जाए। शागिर्दी? हाँ। सुना भाई कासिम, आज से तुम भी मास्टर हो गए भाई। लो भाई, अच्छा हुआ। खुशामदीद, खुशामदीद जनाब। आप जैसे क्लाइंट हो तो क्या कहना, बड़ी खुशी हुई आपके रिपोर्ट पढ़कर। और एक ये खन्ना साहब, आ ही नहीं रहा था, धक्के मार मार कर लाया हूँ आपके पास। क्यों भाई, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई, फिर आप नाराज क्यों हैं? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यूं है साहब कि एक बार फिर लोन चाहिए हमें। तो फिर झिझक क्यों रहे? अरे यहाँ तो हम दुकान खोल के बैठे हैं, राम प्रसाद जी मेरे भी गुरु रहे हैं, तो तुम मेरे गुरु भाई हो गए। वैसे तुम्हारा केस मजबूत है साहब, इस बार लोन की रकम बड़ी है। अरे आपके फर्म ने तो पहले लोन की हर किस्त वक्त पर चुकाई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मन चाहे रकम मिले। कोशिश? आप फॉर्म वगैरह भर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा।
मेरा तजुर्बा कहता है कि आपका काम जरूर हो जाएगा, लेकिन काम हो जाने के पहले गारंटी तो नहीं दे सकता। इंतजार तो करना ही पड़ेगा साहब, मुश्ताक तो इंतजार कर लेगा, लेकिन इसके पार्टनर फूल सिंह को इंतजार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो हमेशा से हवा के घोड़े पर सवार रहा है। इसलिए तो जोड़ी इतनी कामयाब है। जिंदगी इम्पेशेंस और ठहराव दोनों मांगती है। मिस्टर गौड, मैं रिजवी साहब को भेज रहा हूं आपके पास, आप उनका केस देख लीजिए। उनका काम एक्सपेडाइट करना तुम्हारा काम है, ओके? शुक्रिया साहब, आपका बरकत वाला हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे, ऐसी दुआ है। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, इस बहाने मास्टर जी के दर्शन तो होते हैं, मगर इस काम के लिए उन्हें तकलीफ मत दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चार का ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से है और ये चार का ऑर्डर जो है वो अमेरिका से, हाँ। और ये चार का ऑर्डर जो है इंग्लैंड से का। और चार का तो एलसी खुल गया है, हाँ। यार बाकी का भी पैसे का इंतजाम हो जाता ना तो मजा आता। उसके लिए बैंक में अप्लाई कर रखा ना, पर फलुआ पता नहीं रे वो कब पास होगा। यार तू फिक्र मत कर, अगर वो पास नहीं होगा तो मैं बाहर से पैसे का इंतजाम कर दूंगा। पर बाहर तो ब्याज ज्यादा लगेगा ना यार, सा ज्यादा देना पड़ता है। हाँ चाचा, ये देखो बैंक से खन्ना साहब का खत आया, ये लो। चाचा मेरा लोन पास हो गया। लोन पास हो गया? अरे अरे मुझे तो पहले से मालूम है, कैसी बात करता है। अरे बुलवा, मेरा लोन पास हो गया रे। अरे क्या हुआ चाचा? अबू अबू देखिए मेरा लोन पास हो गया, पढ़िए। लाओ भाई लाओ। अबे बेवकूफ, मुझे कौन सा पढ़ना आता है, पता क्या हुआ? अबे बुड्ढे, बच्चे को क्यों मार रहा है? अभी भी उम्र निकली नहीं है, पढ़ने आ जाएगा मेरे पास। हाँ, छोड़ छोड़ इस बात को। अब ये बता, मिठाई कब खिला रहा तू? अबे मिठाई मैं खिलाऊंगा, तू खिलाएगा? कैसी बात कर रहा है तू? अबे तेरे भतीजे का वो क्या हुआ, क्या मैं वो लोन पास हुआ तो मिठाई नहीं खिलाएगा? वो मीठा नहीं कराएगा? वो मीठा करेगा। हाँ करेगा पक्का ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, अभी कराता हूँ। भाभी दो कप मीठी मीठी चाय बनाना। अरे बेटा जल्दी से जा रहा, अम्मी को बता, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। खुश है ना बच्चे? राम प्रसाद, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं दोस्त, तेरे त्याग और तेरी तपस्या की। तू तो हमेशा डांटता रहता था ना, पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है। राम प्रसाद तू देखा पढ़ाई कैसा रंग लाई है, हमारे बच्चों की जिंदगी बदल रही है। हर इंसान का फर्ज है ये मेहनत से जीन चुराए, मेहनत कश अपने कदमों पर सूरज को भी झुकाए। आंधी और तूफान में भी जो ज्ञान का दीप जलाता है, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत वही बुलंदी पाता है, बुलंदी।